हेलो फ्रेंड्स, आज हम अबैकस पर कुछ बेसिक सम्स को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम अबैकस पर सम कर रहे हैं तो हम वहां पर प्लस वर्ड का यूज नहीं करेंगे। मींस अगर हम करते हैं 3 + 2 तो हम वहां डायरेक्ट कहेंगे 3, 2 इस तरह से। बट अगर हम वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो हम वहां पर माइनस वर्ड का यूज करेंगे। सपोज अगर हम करते हैं 3 - 2 तो हम कह सकते हैं 3 - 2। और अब यहां पर हमारा जो फर्स्ट सम है 1, 1, 1 एंड द आंसर इज 3। देन सेकेंड सम स्टार्ट करने से पहले आप अपने अबैकस पर 0 सेट करेंगे। देन सेकेंड सम इज 2, 1, 1 एंड द आंसर इज 4। And again, you will set 0 on your abacus. And the next sum is 4 - 1 and again -1. And the answer is 2. Next one is 3, 1, then -2. And the answer is 2. Now, next sum is 1, then -1. 2 and the answer is 2. Next sum is 3, 1, then -4 and the answer is 0. Now 2, 1, 1 and the answer is 4. Then next sum start karne se pehle aap fir se apne abacus pe 0 set karenge. And next sum is 1, 1, -1 and the answer is 1. और फिर से अब हम यहाँ पर अपने अबैकस पर 0 सेट करते हैं। Then next question is 4 - 2 - 2 and the answer is 0. And next sum is 4 - 1 - 1 and the answer is 2. Then हम यहाँ पर दोबारा से अपने अबैकस पर 0 सेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। And the next question is 2, 1, then -1 and the answer is 2. Next 3 - 2 then 1 and the answer is 2. देन यहां पर हमारा नेक्स्ट सम है 3 - 3 1 एंड द आंसर इज 1. नेक्स्ट सम इज 2 - 2 then -3 एंड द आंसर इज 1. नेक्स्ट सम है हमारा यहां पर 2, 1 then -1 एंड द आंसर इज 2. देन हम यहाँ पर अपने अबैकस पर 0 सेट करेंगे। थैंक यू।